गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स में कोन टू सिलेंडर बताने जा रहा हूं। कोन टू सिलेंडर जिसमें न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है आपका ए वर्टिकल कोन डायमीटर ऑफ बेस 80 mm। डायमीटर ऑफ बेस कितना है 80 mm एंड एक्सिस 110 mm लॉन्ग। कोन का डायमीटर, बेस का डायमीटर जो है 80 mm है और एक्सिस वर्टेक्स टू बेस 110 mm लॉन्ग। इज कंप्लीटली पेनेट्रेटेड बाय ए सिलेंडर ऑफ 50 mm डायमीटर एंड 110 mm लॉन्ग। डायमीटर सिलेंडर का डायमीटर कितना है 50 mm है और एक्सिस फेस टू फेस 110 mm। द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू द एचपी एंड वीपी। एक्सिस जो है इसका पैरेलल है वीपी का और हॉरिजॉन्टल प्लेन का पैरेलल है। एंड इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ कोन, कोन के एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है सिलेंडर एट ए पॉइंट 30 mm एबव द बेस। यानी सिलेंडर का एक्सिस जो है, सिलेंडर का एक्सिस इंटरसेक्ट करता है कोन के एक्सिस को 30 mm एबव द बेस, यानी बेस से 30 mm ऊपर। तो ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ द सॉलिड्स शोइंग कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। यही आपका प्रॉब्लम है, इसी को ड्रा करेंगे। तो आइए सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले टॉप व्यू ड्रा करते हैं, फिर साइड व्यू ड्रा करते हैं, फिर टॉप व्यू और साइड व्यू मिला के फ्रंट व्यू ड्रा करते हैं। तो साइड व्यू से पैरेलल लाइन, हर पॉइंट से साइड व्यू से पैरेलल लाइन लेफ्टवर्ड चलते हैं और टॉप व्यू से वर्टिकल लाइन अपवर्ड चलते हैं। जहां पर पैरेलल लाइन और वर्टिकल लाइन कट करेगा हर पॉइंट से, वो पॉइंट हमारा निकलेगा। इसी चीज को बनाना है। तो आइए सबसे पहले आप एक्स वाई लाइन ड्रा कर लीजिए। सबसे पहले एक्स वाई रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन वाई और एक्स। दूसरा रेफरेंस लाइन ड्रा कर लेते हैं, जो फर्स्ट रेफरेंस लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें आप कोन को ऊपर से देखिएगा, कोन को ऊपर से देखिएगा तो क्या झलकेगा, सर्किल झलकेगा। क्या झलकेगा, सर्किल। कोन को ऊपर से टॉप से देखिएगा तो क्या झलकेगा, सर्किल। तो सबसे पहले हम सर्किल कितना एमएम का, 40 mm रेडियस का, 40 mm रेडियस का आप क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रा कर लेंगे। तो ड्रा कर लेते हैं 40 mm रेडियस का सर्किल। चालीस एमएम रेडियस का मैं सबसे पहले सर्किल ड्रा कर लूंगा। ये हमारा सर्किल हो गया। यही हो गया। अब इसको हम 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस सर्किल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 12 इक्वल पार्ट में। कितने इक्वल पार्ट में, 12 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे।
12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बारह इक्वल पार्ट में, बारह इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। बारह इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद नंबरिंग कर देंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग ए बी सी डी ई F, G, H, I, J, K, L, क्या हो गया? डिवाइड हम कर दिए 12 इक्वल पार्ट में। ये हमारा O। अब क्या करना है? यहां से राइटवर्ड हर पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल हम आगे बढ़ेंगे। इस पॉइंट से भी ये हमारा जाएगा, यहां से जाएगा ये आपका सामने, यहां से जाएगा सामने, कौन साइड करेगा? ये हमारा ये चला। सब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर 45 डिग्री से इनक्लाइंड लाइन, 45 डिग्री से, कितना डिग्री से? 45 डिग्री से, इस कॉर्नर से। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, सब पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ा दिए। अब यहां से ऊपर अपवर्ड इस रेफरेंस लाइन, ऊपर चले, ऊपर आ गए। अब सेंटर देखिए, ये हमारा सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन ऊपर कितना चलेंगे? 110 एमएम। कोण का एक्सिस कितना दिया हुआ है? 110 एमएम। तो 110 एमएम ऊपर चलेंगे। अब यहां से इस पॉइंट को मिलाइए, हर पॉइंट को, यहां से वर्टेक्स इस पॉइंट से, क्योंकि साइड व्यू कोण को आप साइड व्यू देखिए चाहे फ्रंट व्यू देखिए, वो क्या दिखाई देगा? ट्रायंगल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ट्रायंगल। चाहे साइड व्यू देख रहे हैं चाहे फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो उसका जो बिंब बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा। यानी साइड व्यू का भी प्रतिबिंब ट्रायंगल, फ्रंट व्यू का बिंब भी ट्रायंगल। तो आइए यहां से मिलाइए, यहां मिल गया, यहां से मिलाइए, यहां मिल गया, यहां मिला, ये मिल गया, ये आपका ओ डैश। क्या हो गया? ओ वन डैश कर दीजिए, ओ वन डैश। अब देखिए यहां से ये हमारा चला, यहां ये हमारा क्या हो जाएगा? ए वन डैश। अब देखिए एल और बी,
तो एल और बी, एल डैश एल वन डैश बी वन डैश। अब यहां से के और सी, ये हमारा के वन डैश सी वन डैश, ये हमारा जे और डी, जे वन डैश और डी वन डैश, जे एकदम से जो जा रहा है वहीं पर होगा। आई और ई, ये हमारा आई वन डैश ई वन डैश। अब यहां से एच और एफ, एच और एफ जो लाइन जा रहा है वहां पे, ये हमारा एच वन डैश एफ वन डैश, और ये हमारा लास्ट नीचे एकदम से बॉटम वाला, ये हमारा जी वन डैश। इसका हाइट कितना है 110 mm। क्लियर? अब कहता है कि जो सिलेंडर है वो बेस से, इस बेस से 30 mm ऊपर जाके वहां से सिलेंडर का एक्सिस पार करता है, यानी सिलेंडर का एक्सिस यहां से 30 mm, कोन के एक्सिस के 30 mm ऊपर से सिलेंडर का एक्सिस छेद कर रहा है। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना है? सिलेंडर का डायमीटर आपका कितना दिया था? 50 mm। तो 50 mm का आधा रेडियस कितना हो गया? 25 mm। 25 mm रेडियस का उस सेंटर से एक सर्किल बना लेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां से 30 mm, यहां से डायमेंशन लीजिएगा 30 mm, मान लेते हैं यही हमारा, आप डायमेंशन से लीजिएगा, हम तो फिगर उतना डायमेंशन नहीं, अनुमानित राशि ये डायमेंशन है हमारा 30 mm, 30 mm। अब इस पे, इस सेंटर मान के 25 mm रेडियस का हम एक सर्किल ड्रा कर लेंगे। क्या ड्रा करेंगे? सर्किल 25 mm रेडियस का। यही आपका हो गया, ये आपका पच्चीस एमएम रेडियस का हमारा सर्किल हो गया। अब एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि ये सर्किल देखिए, ये हमारा क्या हो गया? ये जनरेटर हो गया। ये हमारा क्या है? ये जनरेटर, 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 इसको जनरेटर, कोन में क्या होता है? जनरेटर होता है। तो अब देखिए कि ये सर्किल हर जनरेटर को कहां कहां कट करता है, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। देखिए, ये जनरेटर को हमारा यहां पर कट किया, फिर यहां पे कट किया, यहां पे कट किया, यहां पे कट किया, यहां पे कट किया, यहां पे कट किया है, 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 और यहां पे कट किया है। क्लियर? ये सर्किल कोन के जनरेटर को जहां जहां कट करता है वो पॉइंट होता है। अब पॉइंट अपने से ले लीजिए, नामकरण कर दीजिए। मान लेते हैं ये हमारा वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, फाइव डैश, सिक्स डैश, सेवन डैश, एट डैश, नाइन डैश, टेन डैश, हो गया। अब क्या करना है? ये हमारा ये इसका डायमीटर हो गया। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? बेस के पहले सेंटर लाइन से खींचेगा तो क्या हो जाएगा? डायमीटर। अब इस डायमीटर से, इस डायमीटर से आपको, इस डायमीटर से नीचे आना है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से,
मान लेते हैं कि इसको हम ए मान लेते हैं, ए इसको इस पॉइंट को बी की जगह बी, ए हमारा सी, ए हमारा डी, ए सी डायमीटर, बी डी डायमीटर। अब इस डायमीटर से यहां से सीधे नीचे आना है, यहां से सीधे नीचे आना है, आगे यहां से नीचे, यहां से नीचे आगे। अब यहां से इधर चलेंगे, अब यहां से नीचे चलेंगे, यहां से नीचे आइए, सामने आइए, आ गए इधर इधर। अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर का टॉप व्यू बनाएंगे, सिलेंडर का टॉप व्यू बनाएंगे। तो ये सिलेंडर के साइड व्यू से हमारा टॉप व्यू बनता है। तो यहां से देखिए, इस सेंटर से ओ से 55 mm इधर चलेंगे, ओ से 55 mm इधर, मान लेते कि यही पे 55, ये हमारा एक साइड का टॉप व्यू हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर का एक साइड का, राइट साइड का टॉप व्यू हो गया। अब यहां से 55 आगे बढ़ेंगे, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहां से 55 ले लेंगे, ये हमारा दूसरे साइड का टॉप व्यू बन गया। अब नामकरण कर दीजिए, ये हमारा ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए, ए भी हो जाएगा ए, बी और डी, बी डी, बी डी, ए हमारा सी, ए हमारा सी, ए हमारा सी। ये आपका टॉप व्यू क्लियर हो गया, सिलेंडर का टॉप व्यू और कोन का टॉप व्यू, इधर सिलेंडर का साइड व्यू, कोन का साइड व्यू। अब हमको क्या करना है, यहां से इस पॉइंट 1, 10, 9 इस यहां जी 9, 8, 7 ए इतना इतना से सब, यानी 1, 2, 3, 4, 5 से हर लाइन पॉइंट से पैरेलल लाइन चलेंगे, हर पॉइंट से क्या चलेंगे, पैरेलल लाइन, किस लाइन, फर्स्ट रेफरेंस लाइन के पैरेलल। और यहां हर पॉइंट से ई डी सी ए बी सी से ऊपर वर्टिकल लाइन चलेंगे। नंबरिंग में देख लेना है कि 1 और 6 किस जनरेटर को कट कर रहा है, 1 पॉइंट और 6 पॉइंट किस जनरेटर को, तो O1 डैश J1 डैश और D1 डैश। तो यहां से J1 और D1 को हम जनरेटर को देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आइए यहां से सब पॉइंट से निकालिए, चला जाएगा, इधर लेफ्ट वर्ड हर पॉइंट से निकाल। अब देखिए यहां पे 2 और 10 कौन साइड करेगा, 3 और 9 कौन साइड करेगा, उसी लाइन से पार करेगा, 4 और 8 उसी लाइन से पार करेगा, 5 और 7 एक लाइन पर होगा और 6 अदर लाइन पर होगा। अब यहां से देखिए, यहां तक तो कर दिए, अब क्या करना है, यहां से
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट व्यू किसका कोण का बना लेंगे। तो यहां से हम ऊपर की ओर चलेंगे, बी और एफ एक साथ कोण साइड करेगा, ई और सी एक साथ कोण साइड करेगा, डी आपका यहां ऊपर की ओर चलना है। क्लियर। अब देखिए एच और एल, एच और एल हमारा एच, एच और एल सामने, के और आई सामने, ये हमारा जी ऊपर चले। क्लियर यहां तक। हर को ये जी और ए एक ही लाइन पे जाएगा, एफ और बी एक लाइन पर, ई और सी एक लाइन पर, डी एक लाइन पे, यहां से एच और एल एक लाइन पे, आई और के एक लाइन पे, जी अलग। अब यहां से कितना 120, तो यहां से लोकस खींच लीजिएगा और यहां से 120 हम ऊपर चल चलेंगे। ये हमारा क्या हो गया सेंटर लाइन कोण का। अब यहां से इसको मिला देंगे, एक फ्रंट व्यू निकलेगा हमारा। यहां से मिलाएंगे, यहां से मिला, यहां से मिला, ये हमारा ओ डैश कितना 110 एम। कितना है 110 एम। और नामकरण कर दीजिए, ये देखिए जे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जे डैश, ये हमारा आई और के, आई डैश के डैश, ये हमारा एच और एल, एच डैश एल डैश, ये हमारा जी और ए, जी डैश ए डैश, ये हमारा एफ और बी, एफ डैश बी डैश, ई और सी, ई डैश सी डैश, ये हमारा। क्लियर। अब देखिए यहां से वन से लाएंगे, वन से सामने, यहां से भी लाएंगे, यहां से लाएंगे, यहां से, यहां से, ए ये हो गया, सबको आगे बढ़ा दिए। अब इधर का सिलेंडर का फ्रंट व्यू उधर से, तो या फ्रंट व्यू के लिए यहां से चलिएगा सामने, इस लाइन से ऊपर चलिए, ये आपका सिलेंडर का एक साइड का राइट साइड का फ्रंट व्यू बन गया। क्लियर। अब उसी प्रकार इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, यहां से चलेगा ऊपर, कट करेगा, ये हमारा राइट साइड का, ये लेफ्ट राइट साइड, ये लेफ्ट साइड का आपका सिलेंडर का फ्रंट व्यू बन गया। अब इसको अब यहां पर देखिए, ये हमारा वन जनरेटर, वन और सिक्स किस जनरेटर को कट करना, ओ वन जे वन डैश ए वन डैश, यानी जे और ए को, जे यहां डी है, ये हमारा डी, ए जनरेटर को वन और सिक्स कट कर रहा है,
तो वन से लाए तो उस जनरेटर को, तो जनरेटर हमारा क्या एक डी ओ डैश डी डैश से हो गया और ओ डैश जे डैश से हो गया। यहां पर देखिए जे डैश ओ डैश जे डैश जे वन डैश ओ वन डैश डी वन डैश, तो यहां पर देखिए ओ वन डैश ओ डैश डी डी डैश ओ डैश जे डैश, यानी इसको कट करेगा तो ये हमारा पॉइंट यहां से कट किया तो ये हमारा कम पॉइंट हो गया, ये हमारा वन डैश, ये भी हमारा क्या हो जाएगा वन डैश। अब यहां पर देखिए सिक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिक्स डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा सिक्स डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा सिक्स डैश। अब देखिए यहां से टू और टेन, तो टू किसको कट कर रहा है ओ एल वन डैश और ई वन डैश को, किसको कट कर रहा है टू एल वन डैश को ई वन डैश को, तो यहां से देखिए एल वन डैश और ई वन डैश, एल वन डैश देखिए यहां पर है और ई डैश यहां पर है, यानी टू को आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा ये टू डैश हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एल वन डैश को यहां पर कट करेगा एल वन टू एल वन डैश और ई वन डैश, एल वन डैश और ई वन डैश, ई वन डैश एल वन डैश, ये क्या है ओ नहीं आई डैश है, ये हमारा क्या है आई डैश और ई डैश है, तो ई डैश यहां पर आई डैश यहां पर, यानी इसके सामने ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहां पर कट करेगा ये हमारा टू डैश हो गया। अब देखिए टेन टेन डैश हमको किसको कट कर रहा है ओ वन डैश के वन डैश और सी वन डैश, तो के डैश यहां पर और सी डैश यहां पर, यानी दोनों यहीं पर हमारा हो जाएगा इसी पॉइंट पर टेन डैश टेन डैश टेन डैश, यानी दोनों पॉइंट यहीं पर हो गया। अब देखिए यहां से थ्री और नाइन, तो थ्री और थ्री किसको कौन जनरेटर को कट कर रहा है, तो एच वन डैश एफ वन डैश एच वन डैश एफ वन डैश, एच वन डैश यहां एच डैश यहां पर एफ डैश यहां पर है, यानी थ्री को आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा थ्री डैश, और नाइन डैश भी यहीं पर हो जाएगा नाइन डैश, उसी प्रकार यहां पर हो जाएगा थ्री डैश और नाइन डैश, दोनों पॉइंट आ जाएगा नाइन थ्री। अब देखिए चार और आठ, चार किसको कट कर रहा एच वन डैश एफ वन डैश एच वन डैश एफ वन डैश एच वन डैश एफ वन डैश एच वन डैश एफ वन डैश, यह देखिए एच वन और एफ वन, यानी चार को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा ये हमारा पॉइंट चार डैश और एट डैश से ही पर, इसको सामने आगे लगाइएगा तो ये हमारा क्या कट करेगा चार डैश और एट डैश, क्लियर। सामने जाना पर पॉइंट और इसका जनरेटर देखे एल वन डैश बी वन डैश, आठ का तो देखे तो एल वन डैश और ये बी वन डैश, यानी वही पॉइंट पर हो गया। अब यहां से चलिए फाइव डैश और सेवन डैश, तो किसको एल वन आई 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 वन डैश और ई वन डैश, आई वन डैश आई वन डैश यहां पर है और ई वन डैश यहां पर है, यानी ये हमारा यहां पर कट करेगा ये हमारा हो जाएगा फाइव डैश और एट डैश, और उसी प्रकार यहां पर हो जाएगा फाइव डैश और एट डैश, क्लियर। अब देखिए आपका मिल गया, अब क्या करना है यहां से इसको कर्वेचर से कर्वेचर फ्रेंच कर्व से मिला देंगे, मिल गया यहां से भी मिल गया, ये आपका क्या हो गया फ्रंट व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू, नामकरण करना चाहिएगा नामकरण कर सकते हैं, ये सेंटर लाइन हो गया सेंटर लाइन, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा डॉटेड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा डॉटेड, ये हमारा डॉटेड, क्लियर डॉटेड हो गया, यानी अब देखिए ये हमारा बी डैश
बी डैश, ये हमारा सी और डी, सी डैश डी डैश, सी डैश डी डैश, ए बी ए है, ए डैश ए डैश, ये हमारा डी डैश, डी डैश डी डैश, यही आपका फ्रंट व्यू, बोल्ड कर दीजिएगा, बोल्ड क्लियर, ये आपका फ्रंट व्यू आपका क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू में हमारा ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखते हैं, तो जहां जहां से 1 2 3 4 5 6 1 2 देखिए इस जनरेटर को यहां पे कट किया है, यहां पे कट किया है, यहां पे कट किया है, यहां पे कट किया, यहां उसी प्रकार यहां पे कट किया है, यहां से कट किया है, यहां कट किया है, यहां कट किया है, यहां कट किया है, यहां कट किया है, पॉइंट हो गया। हर पॉइंट से नीचे आ गए, हर पॉइंट से, यानी इसका जनरेटर और इसका रेडियस कट करेगा, इसका जनरेटर पर कहां पॉइंट है, तो 1 यहां पर है, कौन जनरेटर पर है, ओ डैश और जे डैश, तो यहां पर रेडियस क्या है हमारा, रेडियस ओ और जे, यानी इसके सामने हम आएंगे तो ये हमारा कट करेगा, यहां पे रेडियस को कट करेगा, यानी देखिए यहां से हम सीधे नीचे की ओर, ये हमारा कट किया, क्लियर, मान लेते हैं ये 1 पॉइंट है, ठीक है 1 पॉइंट। अब यहां से 6 देखिए, 6 आएगा, 6 सामने, ये हमारा किसका, ओ डैश जे डैश, तो रेडियस ओ जे रेडियस, ये हमारा 6 पॉइंट है, क्लियर। अब यहां से देखिए 2 और 10 आई और के को, तो आई कहां पर, आई यहां है और के यहां पर है, यानी इसको सामने लाइए, यहां इसको कट करेगा, आई इसको सामने है तो इसको कट करेगा, यानी ये हो गया हमारा 2 और 8 पॉइंट हो गया, 2 और 8 पॉइंट, ये 1 6 2 और 8, क्लियर। अब देखिए यहां से 3 से लाएंगे, 3 किसको, एच डैश एल डैश, एच डैश ये एच, ये हो गया रेडियस, यहां से देखिए रेडियस एच और रेडियस एल, यहां का सामने लाइए, ए पॉइंट होगा, क्लियर। अब यहां से 4 और 8 से, तो किसको, एच डैश एल डैश को 4 और 8 से लाइए, एच डैश को यहां पे, एल डैश को यहां पे कट करेगा। अब यहां से 5 और 8 किसको, आई डैश के डैश को, तो यहां पे 5 से चलेंगे, ए हो गया हमारा ए और हमारा ए हो गया। अब इसको क्या करना है, थ्री आई एच डैश एल डैश को, अब इसको हमको मिला देना है, तो यहां से देखिए फ्रेंच कर्व से मिलाएंगे, क्या कर्व से मिलाएंगे, फ्रेंच कर्व से मिला देंगे इसको, यही आपका एक साइड का बन गया। उसी प्रकार इधर से ले जाना है, तो ये हमारा जहां पे कट किया कट करेगा, ये हमारा इस पे कट करेगा, कट करेगा इस पे,
कट किया, कट करेगा, फिर ये हमारा यहां ऊपर से लाएंगे सब पर, सब पॉइंट से, सिक्स पॉइंट से, तो सिक्स ओडी जनरेटर को तो यहां पे कट करेगा सिक्स पॉइंट। कौन जनरेटर को है? ओडी। यहां रेडियस क्या होगा? ओडी। अब यहां वन तो किसका? ओडी। यहां से लाइए, ये पॉइंट हो गया, यहां से लाइए, ये पॉइंट हो गया। अब फाइव और एट से, फाइव एट ई डैश सी डैश को, तो ई यहां है, सी यहां है, तो यहां से सीधे लाइए, ये हमारा हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब यहां से चार और आठ को, चार और आठ किस किस को? एफ डैश बी डैश, तो एफ डैश बी डैश, एफ यहां है और बी यहां है, यानी यहां से सीधे ये हमारा, यहां पर ये हमारा, ये हो जाएगा। अब यहां से नाइन, नाइन को लाएंगे, ये हमारा, ये हमारा हो जाएगा। अब यहां से दो और दस को, दो और दस किसको? ई डैश सी डैश को, ई डैश सी डैश को, ई डैश यहां रेडियस ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। अब मिला दीजिए यहां से यही बना इधर, यानी आपका सेम टू सेम फिगर। अब देखिए ये हमारा डॉटेड, बाहर वाला जो क्या होगा? डॉटेड होगा, हमारा बाहर वाला डॉटेड होगा। ये बाहर वाला क्या होगा? डॉटेड होगा। यही आपका इंटरसेक्शन ऑफ कोन सिलेंडर, कोन टू सिलेंडर फाइनल व्यू। आप इस वीडियो को बार बार देखें और समझने का कोशिश करेंगे कि इसका जनरेटर, इसका रेडियस वन और सिक्स किस जनरेटर पर है? तो यहां पर डी है, डी डैश है, तो उसका ओडी रेडियस पर कट करेगा। सबका जनरेटर इधर रेडियस, इसका जनरेटर इसका रेडियस पर कट करता है पॉइंट, यानी ऊपर से डाउनवर्ड, हर पॉइंट से जो बना है उस पॉइंट से ले रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, और जहां पर कटा उसको पॉइंट से फ्रेंच कर्व से मिला के इसको मिला देते हैं। बाहर वाला डॉटेड होता है, अंदर वाला बोल्ड। अंदर वाला क्या होगा जी? ये बोल्ड होगा। ये बोल्ड। आप वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट्स लिखना नहीं भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल।